हे गाइस, दिस इज सोनू अहलावत। और जैसे कि आपने वीडियो के थंबनेल और टाइटल पर देख ही लिया है, एग्जैक्टली आज इस वीडियो में हम एकदम डिटेल से बात करने वाले हैं आने वाली एसएससी स्टेनोग्राफर रिक्रूटमेंट 2024 के बारे में। देखिए दोस्तों, 12th पास वालों के लिए ये गवर्नमेंट जॉब वैकेंसी सबसे खास है, क्योंकि दोस्तों ये इकलौती ऐसी गवर्नमेंट जॉब वैकेंसी है जिसमें आपको जस्ट आफ्टर 12th सबसे बेहतरीन सैलरी देखने को मिलती है। ये एक ऑल इंडिया की वैकेंसी है, ग्रुप बी और ग्रुप सी की पोस्ट है, मेल और फीमेल दोनों ही कैटेगरी कैंडिडेट के लिए। इससे बेहतरीन गवर्नमेंट जॉब वैकेंसी में कोई और मानता ही नहीं, इससे बेहतरीन जॉब में नहीं मानता। क्योंकि अगर आप सेंट्रल गवर्नमेंट लेवल की बहुत बड़ी बड़ी मिनिस्ट्रीज और डिपार्टमेंट ज्वाइन करना चाहते हो ऑन द हाईएस्ट पेइंग रेपुटेड गवर्नमेंट जॉब पोस्ट, तो इससे बढ़िया अपॉर्चुनिटी आपके लिए कोई और हो ही नहीं सकती जस्ट आफ्टर 12th। ये मेरी फेवरेट गवर्नमेंट जॉब वैकेंसी है, क्योंकि मैं खुद एक स्टेनोग्राफर रह चुका हूं। तो दोस्तों, आगे इस वीडियो में इस रिक्रूटमेंट के बारे में कंप्लीट डिटेल्स आपको प्रोवाइड करूंगा। पोस्ट और वैकेंसीज के बारे में तो बात करेंगे ही, साथ ही डिपार्टमेंट्स के बारे में बात करेंगे कि भाई इस वैकेंसी के थ्रू सेंट्रल गवर्नमेंट लेवल के कौन-कौन से डिपार्टमेंट के अंदर आपको पोस्टिंग मिल सकती है। साथ ही इसका डिटेल सिलेक्शन प्रोसीजर स्टेप बाय स्टेप आपको समझाऊंगा। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में बात करेंगे, एज लिमिट, एजुकेशन क्वालिफिकेशन के मिनिमम रिक्वायरमेंट क्या होती है, एग्जाम पैटर्न, एग्जाम सिलेबस को डिटेल के साथ डिस्कस करके जाएंगे। साथ ही सिलेक्शन होने के बाद किस पोस्ट के ऊपर इनिशियल इनहैंड सैलरी आपको क्या मिलने वाली है, एग्जाम सेंटर, जॉब प्रोफाइल, जॉब लोकेशन के बारे में बात करेंगे, प्रमोशंस अपॉर्चुनिटी के बारे में बात करेंगे, और सबसे इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर की कट ऑफ के बारे में भी आपको डिटेल से जानकारी देने वाला हूं। तो दोस्तों, आज का ये वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट और इंफॉर्मेटिव रहने वाला है, इसलिए पूरे ध्यान से आखिर तक जरूर देखिएगा। तो चलिए बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, फटाफट वीडियो शुरू कर लेते हैं। बट उससे पहले आपको एक छोटी मगर मोटी इंफॉर्मेशन दे देता हूं। वीडियो सक्सेस की ये जो ब्लास्ट एसएससी मास्टर गाइड है, अब ये हैवी स्टॉक में अमेज़न के ऊपर भी अवेलेबल हो चुकी है। अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो फटाफट अमेज़न से परचेज करके घर पर अवेलेबल करा लीजिए और धुआंधार तैयारी शुरू कर दीजिए, क्योंकि केवल एसएससी नहीं हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम का इलाज है ये मास्टर गाइड। कदम कदम पर आपको इसमें परफॉर्मेंस मीटर मिल जाएंगे, यानी कि अब आप अपनी प्रिपरेशन को, अपनी परफॉर्मेंस को ट्रैक करते हुए तैयारी शुरू कर सकते हो। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेकआउट कर लीजिएगा। देखिए दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं एसएससी स्टेनोग्राफर ग्रेड सी एंड डी रिक्रूटमेंट के बारे में, जो कि हर साल एसएससी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के थ्रू निकलती है, जिसके अंडर हमारी ग्रुप बी और ग्रुप सी की पोस्ट निकलती है। ये एक ऑल इंडिया की वैकेंसी है। जो हमारी ग्रेड सी की पोस्ट है वो टेक्निकली ग्रुप बी की पोस्ट है, जिसका ग्रेड पे 4200 और 4600 रुपए होता है। जो हमारी ग्रेड डी की पोस्ट होती है, ये टेक्निकली ग्रुप सी की पोस्ट होती है, जो कि 2400 रुपए ग्रेड पे वाली हमारी पोस्ट है। दोनों ही पोस्ट के ऊपर सैलरी आपको बहुत ही बेहतरीन देखने को मिलती है। दोस्तों, इस बार फॉर्म कब निकल रहे हैं, फॉर्म की लास्ट डेट क्या है, एग्जाम कब कंडक्ट कराया जा सकता है, कट ऑफ क्या रहेगी इस बार, ये सारी जानकारी आगे मैं आपको इस वीडियो में दूंगा। पहले कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, ग्रेड सी और ग्रेड डी दोनों पोस्ट को मिलाकर टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज इस बार 3000 के आसपास निकलने की उम्मीद है, जिसमें से ग्रेड डी की पोस्ट के ऊपर लगभग 2700 के आसपास वैकेंसीज रह सकती हैं और ग्रेड सी की पोस्ट के ऊपर लगभग 300 के आसपास टोटल वैकेंसीज रह सकती हैं। फॉर्म फीस बहुत ज्यादा नहीं होती, जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस वालों के लिए 100 रुपए फॉर्म फीस होती है, एससी एसटी पीएच फीमेल्स के लिए कोई भी फॉर्म फीस चार्ज नहीं किए जाते। सिलेक्शन होने के बाद सेंट्रल गवर्नमेंट लेवल की ये बड़ी बड़ी मिनिस्ट्रीज और डिपार्टमेंट्स आपको देखने को मिलेंगे। अगर आप ग्रेड डी की पोस्ट के ऊपर सिलेक्शन ले लेते हो तो आप सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन सीबीआई ज्वाइन कर सकते हो, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस इंटेलिजेंस ब्यूरो, मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन, मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग। ग्रेड डी की पोस्ट के ऊपर और भी काफी सारे डिपार्टमेंट्स आपको देखने को मिल सकते हैं, जैसे कि यहां पर आप देख सकते हैं ये भी ग्रेड डी के डिपार्टमेंट्स हैं। और अगर आप ग्रेड सी की पोस्ट के ऊपर सिलेक्शन ले लेते हो तो आपको मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इंडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल, साथ ही मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर, साथ ही लाल बहादुर शास्त्री नेशनल अकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, साथ ही इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ वाटर रिसोर्सेज, ये सभी डिपार्टमेंट और मिनिस्ट्रीज आपको देखने को मिलती है। बात कर लेते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। देखिए दोस्तों, जो हमारी ग्रेड डी की पोस्ट है ना, यहाँ पर जनरल वालों के लिए 18 से 27 साल एज लिमिट रखी जाती है, साथ ही 18 से 30 साल एज लिमिट ग्रेड सी की पोस्ट के लिए होती है। देखिए दोस्तों, 3 साल का ओबीसी
ओबीसी वालों को एज में रिलैक्सेशन मिलता है, 5 साल का एसटी एससी वालों को एज में रिलैक्सेशन मिल जाएगा। अगर आपने 12th पास कर रखा है तो भाई आप ग्रेड डी और ग्रेड सी दोनों ही पोस्ट के लिए एलिजिबल है। आप दोनों ही पोस्ट के लिए एक साथ फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। फॉर्म फीस आपको अलग अलग नहीं भरनी होती है, एक ही फॉर्म में आपको पोस्ट प्रेफरेंस देनी होती है कि भाई मेरी फर्स्ट प्रेफरेंस ग्रेड सी है, सेकंड प्रेफरेंस मेरी ग्रेड डी है, क्योंकि दोनों ही पोस्ट की जो कट ऑफ जाती है ना वो अलग अलग जाती है। कट ऑफ का प्रोसीजर और ये कैसे डिसाइड होता है कि फाइनल पोस्टिंग आपको कौन से डिपार्टमेंट के अंदर मिलेगी, ये सारी जानकारी आगे इस वीडियो में मैं आपको दूंगा। सिलेक्शन प्रोसीजर दो पार्ट में डिवाइडेड होता है। पार्ट फर्स्ट आपका कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होगा, 200 नंबर का पेपर होता है, डिटेल से बताऊंगा। पार्ट सेकंड यानी कि स्टेज सेकंड आपका स्किल टेस्ट का होगा, जिसमें आपका स्टेनोग्राफी टेस्ट होता है। ध्यान से सुनिए, अगर आपको फिलहाल स्टेनोग्राफी मतलब शॉर्ट हैंड नहीं आती, फिर भी आप इस वैकेंसी के लिए एलिजिबल है, फिर भी आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि पहले आपके फॉर्म निकलेंगे, उसके बाद एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा, उसके बाद स्किल टेस्ट कंडक्ट कराया जाता है। मोटा मोटा अगर लगाकर चले आपके पास 6 महीने तो रहते हैं स्किल टेस्ट के, और तब तक आप इजीली 80 वर्ड पर मिनट की स्पीड लेकर आ सकते हैं स्टेनोग्राफी में। इसका सबसे बड़ा एग्जांपल खुद मैं आपके सामने खड़ा हूं, दिन रात मेहनत करके मैं मात्र 4 मंथ्स के अंदर 80 वर्ड पर मिनट की स्पीड लेकर आ गया था और मैंने ग्रेड डी की पोस्ट को क्रैक कर लिया था, सिलेक्शन ले लिया था। तो भाई बहुत बड़ी बात नहीं है, अगर आप अभी से तैयारी करना शुरू कर दो एग्जाम की भी और स्टेनोग्राफर की भी साथ साथ थोड़ा थोड़ा, तो आप इजीली इस पोस्ट को क्रैक कर लोगे, बहुत बड़ी बात नहीं है। बस ये एक मिथ बनी हुई है कि भाई स्टेनोग्राफी है हम नहीं कर पाएंगे, इसमें थोड़ा सा टाइम लग जाता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप हिंदी या फिर इंग्लिश की कोई भी स्टेनोग्राफी सीखना अभी से शुरू कर सकते हैं, बहुत बड़ा टास्क नहीं है। तो चलिए पहले बात करते हैं स्टेज फर्स्ट के बारे में, जिसमें आपका एक एग्जामिनेशन है। एग्जाम में 3 सब्जेक्ट से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। पहला सब्जेक्ट आपका जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग है, 50 क्वेश्चन आएंगे 50 नंबर के अंदर। दूसरा सब्जेक्ट जनरल अवेयरनेस का होता है, 50 क्वेश्चन 50 नंबर के अंदर। तीसरा सब्जेक्ट इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन का रहता है, 50 क्वेश्चन 50 नंबर के अंदर आते हैं। इसी के बेसिस पर एग्जाम में 200 क्वेश्चन आते हैं, 200 नंबर का आपका पेपर रहता है। 2 आवर क्वेश्चन पेपर की टाइम ड्यूरेशन रहती है, 0.25 मार्क्स के एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग भी रखी जाती है। एग्जाम होने के बाद कैटेगरी वाइज पोस्ट वाइज एक इनिशियल क्वालिफाइंग कट ऑफ बनेगी, जो कि डिसाइड करेगी कि क्या आप सेकंड स्टेज मतलब स्किल टेस्ट के लिए क्वालिफाई कर रहे हो फिर नहीं कर रहे हो। आगे बढ़ने से पहले एग्जाम सिलेबस के बारे में बात कर लेते हैं। इसके एग्जाम का कंप्लीट डिटेल सिलेबस सब्जेक्ट वाइज टॉपिक वाइज पीडीएफ फॉर्म में मैंने वे टू सक्सेस टेलीग्राम चैनल के अंदर प्रोवाइड करा दिया है, वहां से आप इजिली पूरे सिलेबस को पीडीएफ फॉर्मेट में अपने मोबाइल फोन के अंदर डाउनलोड करके देख सकते समझ सकते हैं कि भाई किस सब्जेक्ट के अंदर से कौन से टॉपिक के ऊपर मोस्टली फोकस करना है। तो टेलीग्राम चैनल का लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आगे बढ़ने से पहले प्रीवियस ईयर की कट ऑफ को डिस्कस कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, ये है 2023 की एग्जाम की कट ऑफ, ठीक है, केवल एग्जाम की कट ऑफ है, फाइनल कट ऑफ के बारे में मैं आपको आगे बताऊंगा। ये है भाई हमारी ग्रेड सी की कट ऑफ, ठीक है। लास्ट ईयर वैकेंसीज थोड़ी सी कम थी, लगभग 1500 के आसपास ही तो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज थी। तो भाई लास्ट ईयर 2023 में जनरल वालों के लिए जो टोटल कट ऑफ गई थी 200 नंबर में से, ग्रेड सी के लिए जो कि हमारी हायर लेवल की पोस्ट है, ठीक है, जिसके लिए वैकेंसीज काफी कम थी, 147 मार्क्स गई थी, ठीक है, 147 200 में से। ईडब्ल्यूएस वालों के लिए भी 147.45 मार्क्स गई थी, ओबीसी वालों के लिए 145 मार्क्स थी, एसटी वालों के लिए 128, एससी वालों के लिए 136 मार्क्स यहां पर कट ऑफ गई थी, ठीक है। लास्ट ईयर टोटल 3596 कैंडिडेट्स को क्वालिफाई किया गया था स्किल टेस्ट के लिए, ग्रेड सी की पोस्ट के लिए। वहीं पर ग्रेड डी की पोस्ट की अगर हम बात करें, यहां पर वैकेंसी थोड़ी सी ज्यादा होती है इन कंपैरिजन ऑफ ग्रेड सी। यहां पर जनरल वालों के लिए जो लास्ट ईयर कट ऑफ गई थी 131 मार्क्स गई थी 200 नंबर में से, ईडब्ल्यूएस वालों की 126 थी, ओबीसी वालों की 125 थी, एसटी कैटेगरी की 88 थी, एससी कैटेगरी की 109 कट ऑफ गई थी। ये ग्रेड डी की मैं बात कर रहा हूं, 200 नंबर में से कट ऑफ गई थी, स्किल टेस्ट के लिए क्वालिफाई कर गए थे कैंडिडेट्स जिनके इतने मार्क्स थे। ग्रेड डी के लिए 18,299 कैंडिडेट्स को क्वालिफाई किया गया था। लास्ट ईयर वैकेंसीज काफी कम निकली थी, इस बार वैकेंसीज आपको थोड़ी ज्यादा देखने को मिलेगी 3000 के आसपास, तो जाहिर सी बात है इस बार कट ऑफ आपकी इससे भी कम रहने की उम्मीद है। क्लियर है? अब बात कर लेते हैं दोस्तों स्टेज सेकंड के बारे में, ठीक है, जो आपका स्किल टेस्ट है, जिसमें आपका स्टेनोग्राफी टेस्ट होगा, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। देखिए दोस्तों, स्टेनोग्राफी आप हिंदी या फिर इंग्लिश में कैसे भी लिख सकते हो, यू आपकी चॉइस के ऊपर डिपेंड करता है। ग्रेड डी के लिए 80 वर्ड पर मिनट की स्पीड मांगी जाती है स्टेनोग्राफी में, या तो आप हिंदी की स्टेनोग्राफी कर लीजिए या फिर इंग्लिश की कर लीजिए, स्पीड आपकी सेम है। ग्रेड सी के लिए 100 वर्ड पर मिनट की स्पीड मांगी जाती है। अब देख लेते हैं कि भाई
कैसे कैसे कितना कितना टाइम होता है, ट्रांसक्रिप्शन के लिए कितना टाइम मिलता है। जो स्टेनोग्राफर ग्रेड डी की पोस्ट है, अगर आप इंग्लिश की टाइपिंग कर रहे हो तो भाई आपको 80 वर्ड पर मिनट की तो स्पीड निकालनी ही है, लेकिन ट्रांसक्रिप्ट करने के लिए यानी कि आपको 10 मिनट में 800 वर्ड बोले जाएंगे। जो आपने लिखा वो आपको ट्रांसक्रिप्ट करना है, कंप्यूटर के ऊपर टाइप करना है। ट्रांसक्रिप्ट करने के लिए आपके पास 50 मिनट रहने वाली है। अगर आप स्टेनोग्राफर ग्रेड डी की पोस्ट के लिए जा रहे हैं, आप हिंदी की स्टेनोग्राफी कर रहे हैं, तो आपको 65 वर्ड मिनट टाइप करने के लिए दिया जाएगा। स्टेनोग्राफर ग्रेड सी इंग्लिश वालों को 40 मिनट ट्रांसक्रिप्ट करने के लिए दिया जाएगा। यानी कि अगर आप ग्रेड सी को क्वालिफाई कर गए तो भाई 100 वर्ड्स जो मतलब आपको 100 वर्ड पर मिनट की स्पीड से शॉर्ट हैंड बोली जाएगी, डिक्टेशन बोली जाएगी, यानी कि 10 मिनट में आपको 1000 वर्ड लिखने होंगे। क्लियर है? 1000 वर्ड बोले जाएंगे 10 मिनट में, ठीक है, इस स्पीड से। तो भाई ट्रांसक्रिप्ट करने के लिए इंग्लिश वालों को 40 मिनट दी जाएंगी, ग्रेड सी के लिए हिंदी वालों को 55 मिनट दी जाएंगे ट्रांसक्रिप्ट करने के लिए वो मटेरियल जो आपने शॉर्ट हैंड में लिखा। क्लियर है? तो भाई ये पूरा प्रोसीजर रहता है। जो आपका स्किल टेस्ट होता है ना, ये क्वालिफाइंग नेचर होता है, इसके लिए आपको कोई भी एक्स्ट्रा एडिशनल मार्क नहीं दिया जाता। क्वालिफाई करना है, आगे बढ़ना है, उसके बाद आपका फाइनल सिलेक्शन ही होगा सीधे। लो भाई दोस्तों, अब बात करते हैं फाइनल सिलेक्शन के बारे में। फाइनल सिलेक्शन किस बेसिस पर होगा? ऑब्वियसली एक फाइनल मेरिट के बेसिस पर होगा। ये फाइनल मेरिट आपके एग्जाम के मार्क्स के बेसिस पर बनेगी। 200 नंबर का आपका एग्जाम था, तो भाई 200 नंबर में से कैटेगरी वाइज पोस्ट वाइज एक फाइनल मेरिट बनेगी। देखिए दोस्तों, अगर आप एग्जाम होने के बाद दोनों पोस्ट को क्वालिफाई कर लेते हो, ग्रेड सी और ग्रेड डी, यानी कि मान के चलिए एग्जाम आपका हुआ और इनिशियल क्वालिफाइंग कट ऑफ ग्रेड सी के लिए 140 नंबर पर बन गई, ग्रेड डी के लिए जनरल वालों की 120 नंबर पर बन गई और आपके मार्क्स आ रहे थे 155, तो भाई आप दोनों को क्वालिफाई कर जाओगे। दोनों के स्किल टेस्ट से आपको होकर गुजरना पड़ेगा। और अगर आप दोनों ही पोस्ट के स्किल टेस्ट को भी क्वालिफाई कर लेते हो ना, तो आप दोनों पोस्ट के लिए क्वालिफाई कर जाओगे और फिर फाइनल मेरिट डिसाइड करेगी कि आपको कौन सी पोस्ट के लिए भेजा जाएगा, कौन से डिपार्टमेंट में आपका सिलेक्शन होगा, क्योंकि फाइनल मेरिट भी आपकी दोनों पोस्ट की अलग अलग बनने वाली है। क्लियर है? ग्रेड सी की डिपार्टमेंट वाइज कैटेगरी वाइज कट ऑफ अलग रहेगी, ग्रेड डी की डिपार्टमेंट वाइज कैटेगरी वाइज कट ऑफ अलग रहने वाली है। अगर ऐसा होता है कि भाई आप ग्रेड डी का स्किल टेस्ट क्वालिफाई कर लेते हो लेकिन ग्रेड सी का नहीं कर पाते, तो आपको ग्रेड डी की पोस्ट के लिए ही कंसिडर किया जाएगा आगे के सिलेक्शन प्रोसीजर के बारे में। ठीक है? तो भाई ये फाइनल मेरिट आपकी डिपार्टमेंट वाइज बनेगी। जितने भी मैंने आपको डिपार्टमेंट्स दिखाए ना, इन सभी डिपार्टमेंट की कैटेगरी वाइज कट ऑफ अलग रहेगी। जैसे कि सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, जनरल कैटेगरी कट ऑफ कुछ और, ओबीसी की कैटेगरी कुछ और, ठीक है, एससी की कुछ और, एसटी की कुछ और, ईडब्ल्यूएस की कुछ और कट ऑफ रहेगी। अगर हम बात करें लास्ट ईयर के बारे में, 2023 के बारे में, ठीक है, तो 200 नंबर में से ग्रेड डी की सीबीआई डिपार्टमेंट के लिए जो कट ऑफ गई थी वो लगभग 141 के आसपास गई थी, 141 के आसपास गई थी। ठीक है, ये ग्रेड डी की मैं बात कर रहा हूं, 141 मार्क्स के आसपास आपकी कट ऑफ गई थी 2023 में, समझ गए? तो ये आपकी कट ऑफ थी। अब इससे आइडिया लगा लीजिए कि कितने नंबर का आपका डिफरेंस आ रहा है इनिशियल क्वालिफाइंग कट ऑफ में और फाइनल कट ऑफ में। क्लियर है दोस्तों? तो भाई इस तरीके से आपकी कट ऑफ जाती है। चिंता मत करिए, प्रीवियस ईयर की जो कट ऑफ है ना 2023 वाली, वो पूरा पीडीएफ मैंने वीडियो सक्सेस टेलीग्राम चैनल के अंदर डाल दिया है, उसको देख लीजिएगा, क्योंकि वहां पर डिपार्टमेंट कोड दिए होते हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट के अलग अलग कट ऑफ होती है कैटेगरी वाइज, तो आप वो खुद देख लीजिएगा। अगर यहां पर मैं एक एक डिस्कस करने लग गया तो वीडियो बहुत लेंदी हो जाएगी, 2-3 घंटे की हो जाएगी। ठीक है? तो ये मैंने आपको एक जस्ट एग्जाम्पल दिया है, समझ गए? अब फाइनली बात कर लेते हैं सैलरी स्ट्रक्चर के बारे में। देखिए दोस्तों, जो हमारी ग्रेड सी की पोस्ट है ना, ये हमारी 4600 और 4200 रुपए ग्रेड पे वाली पोस्ट है। ग्रेड डी की हमारी 2400 रुपए ग्रेड पे वाली पोस्ट है। तो अगर आपका सिलेक्शन ग्रेड सी की पोस्ट के ऊपर हो जाते हैं, जस्ट आफ्टर सिलेक्शन इनिशियल इनहैंड सैलरी आपकी 57,000 के आसपास रहेगी विद ऑल एंड एक्स्ट्रा अलाउंसेस आफ्टर 7th पे कमीशन। इतनी बेहतरीन सैलरी जस्ट आफ्टर 12th मिलना नामुमकिन है किसी और गवर्नमेंट जॉब में। तो भाई सीजीएल लेवल की सैलरी आपको देखने को मिलती है। वहीं पर अगर आप ग्रेड डी की पोस्ट को क्वालिफाई कर लेते हो, आपकी इनिशियल इनहैंड सैलरी कम नहीं है, यहां पर भी 46,000 के आसपास आपको सैलरी मिलेगी, जो कि बहुत ही बेहतरीन सैलरी है। जो प्रोफाइल के बारे में बात करें, तो भाई आपको क्लरिकल काम करना पड़ता है, जो बड़ी बड़ी मिनिस्ट्रीज और ऑफिसेज हैं उनके अंदर जो हायर लेवल की अथॉरिटीज हैं,
चीफ है, हेड्स है, आप उनके एज अ पर्सनल असिस्टेंट के तौर पर काम करते हो, आप एक सेक्रेटरीट असिस्टेंट के तौर पर काम करते हो, ठीक है। तो एक तरीके से क्लरिकल जॉब है, आपको हमेशा ऑफिस सेक्शन के अंदर काम करना पड़ता है ज्यादातर, साथ ही कंप्यूटर रिलेटेड, कंप्यूटर बेस्ड ही एक तरीके से जॉब होती है, ठीक है। बात करते हैं जॉब लोकेशन के बारे में, ऑल ओवर इंडिया के अंदर आपकी जॉब लोकेशन रह सकती है, जितने मैंने आपको डिपार्टमेंट्स और मिनिस्ट्रीज दिखाई, ऑल ओवर इंडिया के अंदर डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स के बड़े बड़े शहरों के अंदर इनके रीजनल ऑफिस भी हैं, तो वहां पर आपकी पोस्टिंग सकती है। प्रमोशनल अपॉर्चुनिटी काफी बेहतरीन है, अब आप एज अ पर्सनल असिस्टेंट के तौर पर सिलेक्शन लोगे, स्टेनोग्राफर के तौर पर सिलेक्शन लोगे, उसके बाद आपको लगभग 6 साल के बाद सीनियर असिस्टेंट के तौर पर, सीनियर पर्सनल असिस्टेंट के तौर पर प्रमोशन मिलता है, ठीक है। अब फाइनली बात करते हैं इंपोर्टेंट डेट्स के बारे में। देखिए दोस्तों, इस बार इस वैकेंसी के लिए ऑनलाइन फॉर्म एग्जैक्टली 26 जुलाई 2024 को स्टार्ट होने वाले हैं अकॉर्डिंग टू SSC ऑफिशियल एनुअल एग्जाम कैलेंडर। फॉर्म की जो लास्ट डेट रखी जाएगी वो 14 अगस्त 2024 रखी गई है, साथ ही एग्जाम डेट आपकी अक्टूबर नवंबर 2024 में रखी जाएगी, फिर लगभग जनवरी के आसपास आपका इसमें स्किल टेस्ट कंडक्ट कराया जाएगा। तो भाई दोनों तरीकों की तैयारी अभी से शुरू कर दीजिए, एग्जाम की भी तैयारी शुरू कर दीजिए और साथ ही स्किल टेस्ट स्टेनोग्राफी की भी तैयारी शुरू कर दीजिए, बिल्कुल भी टफ नहीं है, मेरे ऊपर भरोसा रखिए। अगर खुद के ऊपर कॉन्फिडेंस है, खुद की मेहनत के ऊपर बिलीव है, तो यार आप कुछ भी कर सकते हो, आपके लिए कुछ भी मुश्किल नहीं है। चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, उम्मीद करता हूँ सारे डाउट्स आपके क्लियर हो गए होंगे, सारी जानकारी माइंड के अंदर अच्छे से क्लियर हो गई होगी। अगर फिर भी कोई सवाल हो, फिर भी कोई डाउट हो, कमेंट करके पूछ लीजिएगा, वरना सोनू अहलावत के नाम से इंस्टाग्राम के ऊपर मिल जाऊंगा। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही था, वीडियो पसंद आए लाइक करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत ही जल्द, तब तक के लिए जय हिंद।